अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद करता हूँ अपने YouTube चैनल बिलाल अहमद टीवी पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट इस्तेमाल करते हैं तो आपके सामने इस तरह का एरर एक ना दो मरतबा ज़रूर आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये मुकम्मल तौर पर सेफ हो जाए, क्योंकि हम लोग जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं या माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी फाइल खोलते हैं तो हमारे सामने इस तरह का एरर आता है। अगर आप एक्सेल, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काम करते हैं तो आपके सामने ये एरर बहुत दफ़ा आया होगा। अगर आप इसको मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से इसको रिमूव कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर हम लोग ये सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, देखते हैं कि हम लोग ये एरर अपना किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचते रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं कि हम लोग सी ड्राइव के अंदर अपने चले जाते हैं। सी ड्राइव पर आने के बाद आप लोगों ने प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आ जाना है। यहाँ पर प्रोग्राम फाइल्स पर आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि कॉमन फाइल्स के अंदर आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर जिस तरह की कॉमन फाइल आपको नज़र आ रही है, उसके बाद आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट शेयरिट के अंदर आ जाना है। और उसके बाद यहाँ पर ऑफिस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म के अंदर आप लोगों ने आ जाना है। उसके बाद कुछ फाइलें छोड़ के यहाँ पर आपको एक फ़ाइल नज़र आएगी, ओ एस डबल पी आर ई ए आर एम। तो यहाँ पर आप लोगों ने राइट क्लिक करना है और उसके बाद रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। उसके बाद दोबारा से आप लोगों ने इस तरह का काम करना है। ठीक है, दो से तीन मरतबा ये काम किया जाता है और उसके बाद जो है आप लोगों ने दोबारा से अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना है तो इंशाल्लाह आपका जो एरर है वो दूर हो जाएगा। मैं यहीं पर ही रहते हुए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करता हूँ। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किया, इस दफ़ा आप देख सकते हैं कि मेरा किसी भी किस्म का कोई एरर हमारे सामने नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि बआसानी तौर पर इस एरर को दूर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपका ये प्रॉब्लम जो है मुस्तकिल तौर पर सॉल्व हो जाएगी। तो आइंदा के लिए जब भी आपके सामने एक्टिवेशन की प्रॉब्लम है, आप लोगों ने यही काम करना है, उसके बाद जो आपका ये एरर दूर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।